अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मैथ बीबीएन चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं जब बेस सिस्टम 2 हो। नंबर सिस्टम का टॉपिक हम कर रहे हैं कि हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट विद बेस 2। हम ये करेंगे, इसमें तो आपको डिटेल में समझाऊंगा। इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मैथ बीबीएन चैनल को, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जो बेस 2 का सिस्टम है, इसमें दो ही डिजिट यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड 0 and 1। ये दो हमारे पास डिजिट यूज होते हैं, जो इसका जो हाईएस्ट है वो 1 है और जो लो है वो है 0। तो इसको हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए आपको सबसे पहले एक टेबल को समझना होगा। उसके बाद आपके लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन बड़ी आसान हो जाएगी। ये देखिए, 0 + 0 + 0 = 0, ये लिख दिया है। 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 2। बट यहां पे हम 2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे 2, क्योंकि हमारा बेस 2 का सिस्टम है। अब हमें ये देखना होगा कि बेस 2 के सिस्टम में 2 किसके इक्वल है। ये देखिए, 2 को आप 2 आपके पास आया है, 1 + 1 करने के बाद 2 आया है, तो आपको इसको 2 पे डिवाइड करना होगा। 2 1s are 2 और ये 0। 2 1s are 2, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यहाँ पे 0 लिख दिया। तो इस सिस्टम में आपके माइंड में ये होना चाहिए 2 = 10। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके इसको इसकी एडिशन करते हैं। 1 1 1 + 1 base 2। ये देखिए, यहाँ भी करेंगे 1 1 1 और ये हमें करना है प्लस। यहां तक आपको आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहां भी आपको लिख देना है बेस 2 और बेस 2। देखिए, 0 और 1 को प्लस किया, 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, 1 + 1 = 2, लेकिन 2 आपको यहां पे है 10 के इक्वल। आई रिपीट अगेन, 1 + 1 = 2 एंड 2 = 10 इन बेस 2 सिस्टम। Then, आपको क्या करना होगा, 0 यहां पे लगाना है और 1 किसको दे देना है, इसको। अब आपके पास 1 + 1 = 2। अब आपके पास यहां पे क्या करना होगा, आपको ये वाला आपके पास होगा, ये देखें, ये वाला आपके पास अब 1 + 1 = 2। तो उसको हम लिख देंगे 10। तो ये देखें, इस तरह से हमारे पास इसको हम करते हैं, इसका हम निकालते हैं सॉल्यूशन, यानी कि ये हमारे पास एडिशन आ गई। अब माइनस का क्वेश्चन कर दें। मेरे पास एक क्वेश्चन है, 101 - 11, बेस 2 का ही हम कर रहे हैं। यहां पर 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 1 - 1 = 0। अब आपको ये देखना होगा कि इस 0 से माइनस हम नहीं कर सकते 1 को, यहां से हम इधर ले गए तो यहां पे हमारे पास ये हो जाएगा 10, ठीक है। लेकिन 10 हमारे पास यहां पे इक्वल है 2 के, तो 2 में से आपको 1 माइनस करना होगा तो आपके पास 1 आ जाएगा। इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। टेन आपका आंसर आ गया। ये देखिए, ये और आपको सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन हो जाए। वन
डबल जीरो वन वन बेस टू एंड वन जीरो वन वन बेस टू माइनस करना होगा हमें, वन में से वन को माइनस करेंगे आपके पास जीरो आ जाएगा, वन में से जीरो को माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा वन। अब यहाँ हमें प्रॉब्लम होगा, हमें तो हमें क्या करना होगा, वन से इसको देंगे तो ये टेन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, टू में से फिर इसको देंगे तो यहाँ पे आपके पास वन ही रह जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पे मेरे पास टेन होगा वो टू के इक्वल होगा, ठीक है। तो टू में से वन को माइनस करें वन, और वन में से वन माइनस होगा जीरो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वन टेन आपका आंसर आ जाएगा। अगेन आपको रिपीट करता चलूँ, वन में से वन को माइनस किया जीरो, वन में से जीरो को माइनस किया वन, और इस जीरो से वन नहीं जा सकता, इससे देंगे एक कैरी इधर देंगे ये टेन हो जाएगा, टेन हमारे पास होता है टू के इक्वल, फिर एक इसको देंगे यहाँ पे वन रह जाएगा, ये टेन हो जाएगा, टेन हो जाएगा होता है टू के इक्वल, टू में से वन माइनस किया वन, और ये यहाँ पे आपको जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर लें मैथ।